नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसे कि अपने क्वार्टर फोर रिजल्ट की सीरीज चल रही है, तो उसके अंदर अर्फिन इंडिया लिमिटेड क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट कैसा रहा और आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसे रहने वाला है, उन सब के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो कंपनी बेसिकली किस सेगमेंट में कंपनियां, मैंने पहले भी कॉल दिया था, तो जब भी हमारा टारगेट होता है कंपनी एल्युमिनियम वायरिंग्स के अंदर और कॉपर वायरिंग्स के अंदर काम करती है और एल्युमिनियम अलॉय के प्रोडक्ट बनाती है, अलॉयज के प्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं ऑटोमोबाइल्स कॉम्पोनेंट एल्युमिनियम के अंदर, उनका भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, क्योर्ड मील वायर का भी काम करती है। तो आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स हैं इसके अकॉर्डिंग, ये लोग वो क्या करते हैं, उन सब चीज़ प्रोडक्शन का काम, मैन्युफैक्चर का काम करते हैं। तो यह आपको मैंने मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया, बाकी आप कंपनी वेबसाइट पर जाके भी आप समझ सकते हैं कंपनी किस सेगमेंट की है। तो अब देखिए इसका क्वार्टर फोर रिजल्ट कैसा है, तो उससे पहले प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए अर्फिन इंडिया लिमिटेड, तो आज 27 अप्रैल और शाम के 7 बजे मार्केट ऑफ हो चुका है। कल मार्केट ओपन क्या रहेगा, शेयर के अंदर तेजी रही, गिरावट आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए इनकी सुबह मीटिंग हुई थी 10:15 में, और दिन तक इनकी अपडेशन पूरी देखने को मिली क्वार्टर फोर के रिजल्ट की। तो इनकी जो अर्निंग्स है वो लैक्स के अंदर है, आप देख सकते हैं यहाँ 15,996 लाख क्या हुआ। तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके चलिए समझते हैं स्कैनिंग के साइड पे कैसा रहा इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट। ओनली बीएससी बेस रजिस्टर्ड कंपनी है, तो आज की डेट में इसका मार्केट कैप है 348 करोड़ रुपये का। स्टॉक पी चल रहा है इसका 37.9 का, स्टॉक आरओसी का चल रहा है 12.5% का, बुक वैल्यू इसकी 43 रुपये की है, रिटर्न ऑफ इक्विटी इसके 13.4% का, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। देखिए कंपनी क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है और कंपनी ने कर्जा दिन देने के दिन है जो 37 से घट के 29 पे ला दिया है। अब इसका क्वार्टर फोर रिजल्ट कैसा रहा वो समझते हैं। तो देखिए मार्च 2022 इस क्वार्टर में इनकी टोटल सेल हुई है 158 करोड़ रुपये की, ऑपरेशन प्रॉफिट इनको आए 6.51 का, और नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया 3.14 का, और अर्निंग पर शेयर इसका 1.98 का। दिसंबर में लास्ट क्वार्टर इनकी सेल थी 135 करोड़, वो बढ़ के हुई 158 करोड़, ऑपरेशन प्रॉफिट इनका 6.26 था, वो बढ़ के 6.51 हुआ है, नेट प्रॉफिट हमारा इसको लास्ट क्वार्टर में 2.58 था, वो बढ़ के 3.14 हुआ है, और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं लास्ट क्वार्टर अर्निंग पर शेयर 1.62 था, वो बढ़ के 1.98 हुआ है। ईयर ईयर वाइज कंपेरिजन के अंदर लास्ट ईयर सेल थी 105 करोड़, वो बढ़ के हुई 50% का इजाफा देखने को मिला 158 करोड़ रुपये का, और साथ ही साथ देखेंगे ऑपरेशन प्रॉफिट हमारा 4.83 से बढ़ के 6.51 हो गया है, नेट प्रॉफिट हमारा 1.67 से बढ़ के 3.14 हुआ है, और हमारा देखेंगे आप अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 1.05 से बढ़ के 1.98 हुआ। तो इसमें बढ़ देखें 50% की बढ़ देखने को मिली हमें ईयर ईयर वाई, क्वार्टर क्वार्टर वाई थोड़ी बहुत सेल के अंदर अच्छी खासी बढ़ देखने को मिली क्वार्टर क्वार्टर वाई और ईयर वाई, बट नेट प्रॉफिट ऑपरेशन प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी बढ़ देखने को मिली हमें क्वार्टर क्वार्टर वाई ईयर ईयर वाई, रिजल्ट अच्छा देखने को मिला, वायरिंग सेक्टर के रिजल्ट अच्छे आ रहे देखने को मिल रहे हैं हमारे को। तो अभी इसमें कुछ अपडेशन देखने को नहीं मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग सेम है 74.11, लास्ट क्वार्टर में भी सेम थी, FIs की भी 1.17, लास्ट क्वार्टर में भी सेम थी। देखिए हमारे इस क्वार्टर में एक चीज़ अलग देखने को मिली है, दिसंबर क्वार्टर के अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग 0 थी, वो गवर्नमेंट ने इस क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, देख सकते हैं 0.04 करी है, यानी गवर्नमेंट ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा 0.04, और पब्लिक की होल्डिंग अब हो चुकी है 24.07। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, तो इसके अंदर अच्छा खासा रिजल्ट के बाद और प्रमोटर ने और FIs की होल्डिंग सेम है बट गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग बढ़ाई, एक पॉजिटिव साइन ही है, साथ ही साथ रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अब देखते हैं रिजल्ट के बाद इसके अंदर कैसा मूवमेंट रहा देखने को मिलता वो समझते हैं। तो कि अर्फिन इंडिया लिमिटेड आज के दिन 0.50% की तेजी लगा के बंद हुआ, तो आप देखिए आज के दिन ये ओपन होता 217.90 रुपये पे, हाई मारे इसने 221.40 रुपये का, लो मारे इसने 208 रुपये का, 52 हाई इसका 222 रुपये का, 52 लो इसका 54.05 रुपये का। 5 दिन के अंदर इसने अभी तक 6.67% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, 1 मंथ के अंदर इसने अभी तक 36% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, 6 मंथ के अंदर 208% तेजी दिखा चुका है। देखिए अभी थोड़ी देर एक क्वार्टर रिजल्ट हमने राजधानी केबल का करा था, आप देखिए ये केबल का
सेम पैटर्न पे भी 6 महीने में अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है, यानी इसने अभी भी आपको 208% रिटर्न दे चुका है 6 महीने में। ईयर टू डेट के अंदर 70% रिटर्न दे चुका पॉजिटिव, तो रिजल्ट का इम्पैक्ट भी है, साथ साथ शेयर अच्छी टेरिटरी में चल रहा है, लास्ट 6 महीने से अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है शेयर। अब थोड़ा चार्ट पर समझते हैं, चार्ट इसका भी चार्ट एक अलग टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है, अब ट्रेंडिंग की तरफ है, और चार्ट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है तेजी का वो बरकरार है, और ये आज 52 हाई तोड़ते रह गया, बट ये जल्दी 52 हाई भी तोड़ेगा और जल्दी आपको इसमें 250 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। शेयर एक अलग ही टेरिटरी में और अब ट्रेंड की तरफ, पूरा पूरा शेयर के अंदर कोई गिरावट के इंडिकेशन नहीं है। आज जो इसमें पैटर्न बना है एक हैमर कैंडल बनी, ये भी तेजी की तरफ और अपर की तरफ एक क्लोज हुआ, तो और तेजी देखने को मिलेगी आपको। तो इसके अंदर आप अगर आपके पास हो तो होल्ड रखिए, या बाकी आप इसमें 204 रुपये का स्टॉप लॉस आप बाय भी इसमें कर सकते हैं। ये अभी जल्दी आपको 250 के लिए शॉर्ट टर्म में आपको इसके अंदर 250 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।